ज्ञान किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की सब्जी या फिर कुछ और। और आपने सोचा होगा कि आज हम शायद परवल की सब्जी बनाने जाए, या आपने अभी तक परवल की सब्जी खाई होगी। पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसकी आज डिश भी बन सकती है? तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने एक पाव परवल लिए हैं, पीसी हुई चीनी। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे मावा इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट सेट किए हुए हैं। मैंने पीसी इलायची का इस्तेमाल किया है और मैंने नारियल का बूरा इस्तेमाल किया और मैंने हरे कलर का भी इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे परवल को छील लेता हूँ। यहाँ सभी परवल को मैंने छील लिया है। अब मुझे बीच में से इसे कट लगाना है, जैसे मैंने इसे चाकू से कट लगा के दिखा रहा हूँ। कट लगा के हमें सभी बीजों को निकाल कर इसे पानी में हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद हम इसके करेंगे स्टफिंग। यहाँ पे मैंने हल्की चाशनी तैयार कर ली है। मैंने इसमें रोज एसेंस का भी इस्तेमाल किया है, इसमें ग्रीन कलर डाल दिया है। देख सकते हैं हमारी चाशनी कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है। जितने भी परवल थे सभी मैंने इसमें इसको डाल दिया है। स्टफिंग के लिए मैंने खोआ यहाँ पे लिया है। खोए में मैंने नारियल बूरा, इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। एसेंस भी मैंने इसमें डाला है। तो देख सकते हैं हमारा परवल भी कलर चढ़ चुका है। अब इसमें मैं अपनी स्टफिंग को फिल करता हूँ। इसमें रोज एसेंस डाला है। आप देख सकते हैं परवल में ग्रीन कलर की तेज चढ़ गया है। अब इसमें मैं स्टफिंग को डाल देता हूँ। हम देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है हमारा परवल। जो स्टफिंग मैंने यहाँ बनाई थी इससे मैं इसे फिल कर लेता हूँ। ऐसे सभी परवलों को हमें ऐसी ही स्टफिंग भर लेनी है। इतना सुंदर हमारा परवल की मिठाई तैयार होने वाली है कुछ ही मिनटों में। यहाँ स्टफिंग को मैं अच्छे से भरने वाला हूँ। अच्छे से दबा दबा के हमें यहाँ भरना है। और एक प्लेन कपड़े से आउटसाइड जो लग चुका है उसे हमें क्लीन कर लेना है। इसी तरह से मैंने सारे परवलों को स्टफिंग फिल कर दी है। और फाइनली हमारी मिठाई बनके तैयार है आप सबके सामने। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी परवल की मिठाई। क्या आपने सोचा था दोस्तों परवल से भी इतनी अच्छी मिठाई बन सकती है? फाइनली मिठाई आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं या कोई भी मेहमान आने वाला है या आपको खाने का खुद मन हो तो कभी भी आप इसे बना सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसे जरूर घर में एक बार ट्राई करें और हमें बताइए कमेंट में कैसी बनी आपकी परवल की मिठाई। तब तक के लिए बाय। आप सभी अपना ख्याल रखें। अगर आपको बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खाने का हो मन तो देखिए हमारे मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी। और आपको करनी हो इम्यूनिटी स्ट्रांग तो देखिए हमारे इम्यून बूस्टर ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं।